टोंक में पुलिस भर्ती में धांधली का मामला सामने आया है। 2012 में किशनगढ़ में शारीरिक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के नाम की सूची 31 मार्च को जारी कर दी गई थी, लेकिन 48 घंटे बाद पहली सूची में तकनीकी खराबी का कारण बताते हुए दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें पहली सूची वाले 20 अभ्यर्थियों के नाम नहीं थे। देखिए खास रिपोर्ट। पुलिस भर्ती में धांधली, सफल अभ्यर्थियों के साथ धोखा, पहली सूची में आया नाम, दूसरी सूची से हुआ गायब, 20 अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर, किसने की गड़बड़ी? हैरान परेशान इन युवकों की जिंदगी 48 घंटे में बदल गई। पुलिस में भर्ती होने के लिए इन अभ्यर्थियों ने हर परीक्षा पास की। इन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नाम 31 मार्च को जारी की गई पहली सूची में आ गया, लेकिन ये और इनके परिजन इस बात की खुशी मना भी नहीं पाए थे कि 48 घंटे बाद ही नई सूची देखकर इनके अरमानों पर पानी फिर गया। नई सूची में 20 अभ्यर्थियों के नाम गायब थे। पुलिस के अंदर किशनगढ़ पीटीएस सेंटर पे जो दौड़ हुई है, उसके अंदर मैंने 48 मिनट के अंदर अपनी दौड़ कंप्लीट की थी, लेकिन उसके बावजूद जब चयन सूची निकली तो उसमें मेरा चयन अच्छे नंबरों के साथ जनरल टॉप के अंदर में टॉप 50 के अंदर आया, लेकिन उसके बावजूद जब सेकंड लिस्ट 48 घंटे बाद वापस बताया गया कि भाई किसी तकनीकी खराबी कारण से हमें बाहर कर दिया गया, लेकिन अब जब हमने जानकारी चाही तो प्रेम सिंह जो कि यहाँ पे पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं वहाँ पर उस समय उपस्थित नहीं था, इस कारण से मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन साथ ही उन्होंने ये हमें भी भरी है कि ये सब अधिकारी लेवल पे खराबी हुई है, तो अब इसके जिम्मेदार केवल और केवल पुलिस विभाग है। राजस्थान पुलिस के अंदर जो परीक्षा हो रही है उसके अंदर से जैसे टोंक जिले से हमारा सिलेक्शन हो गया, हमने फिजिकल पास कर लिया, कम्प्लीट उसमें एक्सीलेंट है, पेपर में बढ़िया है, तो जो मेरिट लिस्ट निकाली गई उसमें प्रथम लिस्ट में हमारा नाम है, हमारा नंबर आ गया, उसमें नाम दे दिया, पापा का नाम दे दिया, रोल नंबर दे दिए, ठीक। उसके बाद 48 घंटे बाद में दूसरी लिस्ट निकाली गई, इसमें तो उसमें क्या गया, 20 लड़कों को बाहर निकाल दिया गया। अब उसका कारण हम पूछ रहे कि हमें क्यों निकाला गया, उसका कारण स्पष्ट कोई नहीं बता रहा है। नई सूची को देखकर सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। परिजनों ने सूची में फेरबदल करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि तकनीकी खराबी का बहाना देकर सूची को जानबूझकर बदला गया। वो सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट सूची में, लेकिन 48 घंटे बाद सेकंड सूची जारी की गई जिसमें इनका नाम गायब था। ऐसे लगभग 20 या 22 अभ्यर्थी हैं जिनका नाम गायब हो गया सूची में से। अब उसमें घोर मतलब भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हमने माथे कर करा के लगाए, कोचिंग कराई, पढ़ाई लिखाई, कुछ बातचीत नहीं हुई। वो तो ये कहते हैं कि साहब ऊपर से आगे तक ऐसे ही हो रहा है। इस बात की सूचना लोगों ने जिला कलेक्टर को दी, जिसके बाद उन्होंने जांच का भरोसा दिया। इसकी दो सूचियां जारी की, उन दोनों में भिन्नता है, विज्ञापन दिया है, उसको एसपी साहब को भिजवाते हैं, वास्ते जांच और तथ्यात्मक रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट आने पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उस हिसाब से विचार किया जाए। सरकारी नौकरी में अक्सर धांधली होने की बात सामने आती रहती है, लेकिन इस तरह का मामला शायद अपने आप में अनूठा है, क्योंकि पहली सूची में जिस उम्मीदवार को पास किया जाता है दूसरी सूची में वो फेल हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसके इशारे पर सफल अभ्यर्थियों का नाम गायब कर दिया गया। प्रदर्शन वैष्णव, सहारा न्यूज ब्यूरो, टोंक।